नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार के प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी के एसकेएस महिला कॉलेज में हुआ सेमिनार का आयोजन, मोतिहारी पहुंची गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा। मझौलिया में चोर हुए निडर, दिन दहाड़े उड़ा रहे हैं पैसे, मामला सीसीटीवी में कैद। कृष्ण जन्माष्टमी आज, भक्तों में खुशी का माहौल, मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। पंडित राजकुमार शुक्ल के 144वीं जयंती समारोह का हुआ आयोजन। मोतिहारी के एसकेएस महिला कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आज भारत के महिलाओं की उच्च शिक्षा की स्थिति पर आयोजित इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा पहुंची और एसकेएस महिला कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय इस सेमिनार का उद्घाटन किया। इससे पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस अवसर पर सूबे के कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री प्रमोद कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। आज मोतिहारी पहुंची गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस महाविद्यालय में मैंने कार्य किया है, बच्चियों को पढ़ाया है और छोटी सी उम्र में भी मुझे स्मरण है कि उनको आगे जीवन के लिए भी कुछ बातें दिया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महाविद्यालय बढ़ रहा है और इसमें सब लोगों का बहुत, जो खास करके यहाँ के विधायक हैं उनका, प्रमोद जी का बहुत सहयोग है और सब लोग हैं इसमें। अभी जो लोगों ने अपनी बातें रखी, मैं कह सकती हूँ कि बहुत हृदय से ये बातें रखी है, तो ये प्रसन्नता की बात है और इसका विस्तार और ज़्यादा होना चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में चोर निडर हो गए हैं और अब उन पर प्रशासन का कोई भय नहीं दिख रहा। प्राप्त ताजा जानकारी के मुताबिक मझौलिया में स्टेट बैंक के समीप बाइक चोरी एवं ग्रामीण बैंक के समीप से बाइक के डिक्की से रुपए चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है और चोरी की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गौरतलब है कि इन दिनों बाइक चोरी करने वाले गिरोह ने फिर से मझौलिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो कि मझौलिया वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अमुआ मजार वार्ड नंबर 8 निवासी विजय कुमार चौहान ने अज्ञात बाइक चोरों पर मझौलिया थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 101 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। इसके साथ ही पूरा मझौलिया प्रखंड में माखन चोर गोपियों के चित हरने वाले यशोदा के नंदलाला के श्रद्धा से पूजा अर्चना शुरू हो गई, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस अवसर पर मुखिया देवशरण प्रसाद ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी मठ पर श्री कृष्ण भगवान व राधा माँ की प्रतिमा रखा गया है। मान्यता है कि भाद्रपद में अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। बताते चले कि इस अवसर पर लाल सरैया में मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से कृष्ण लीला व प्रवचन करने वाले विद्वान आ रहे हैं। वहीं लाल सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्थित भगवान कृष्ण राधा का मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बैठनिया भानाचक पंचायत सरकार भवन में कैंप लगाकर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का पंजीकरण किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पंचायत के किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें उनका आधार कार्ड, पासबुक और मोबाइल लाना अनिवार्य है। सीएससी संचालक मोहम्मद यूनुस के मुताबिक जो किसान पंजीकरण करा चुके हैं उनके पेंशन का फॉर्म भी भरा जाएगा। हालांकि किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आज उन्होंने लोगों से अपने आसपास के किसानों को सूचित करने की अपील भी की। इस मौके पर मुखिया पति दिलीप शाह, सरपंच पति रियाजुद्दीन अंसारी सहित ग्रामीण एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ये कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा। देखिए एसटीवी न्यूज के मझौलिया संवाददाता राजू शर्मा की ये रिपोर्ट। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मझौलिया थाना क्षेत्र के पंचायत बैठनिया भानाचक में और यहां हम पंचायत भवन में हैं। यहां पे प्रधानमंत्री किसान
मानधन योजना के तहत पंजीकरण हो रहा है। यहाँ काफ़ी किसानों को भीड़ लगी हुई है और यहाँ के CSC संचालक से हम बात करेंगे कि किस तरह की योजना है और इससे क्या लाभ होता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जो किसान पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनके लिए फॉर्म भरा जा रहा है, जो कि किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो फॉर्म था ना, उसको जो 2000 रुपया किसानों के खाता में जो पैसा जा रहा है उसी के तौर पे जो है ना, ये उन्हीं के अकाउंट से प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है वो CSC से ही हो रहा है। लगभग यहाँ पे लगभग सुबह से कुछ किसान आए, उनका लगभग 25 को किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ और लगभग 20 में किसानों का पेंशन योजना के तौर पर उन लोगों का ये पेंशन का कार्ड बना। और अभी तक लगभग आज दिनांक मतलब 22 से लेकर 24 तक यहाँ पे कैंप लगा हुआ है बैठनिया भनाचक में, और यहाँ पे अभी किसान पंजीकरण होगा और पेंशन योजना के तरफ पे उन लोगों का कार्ड भी बनाया जा रहा है। पंडित राजकुमार शुक्ल के 144वीं जयंती के अवसर पर आज एक समारोह का आयोजन किया गया। पश्चिमी चंपारण जिले के सतवड़िया पंडित राजकुमार शुक्ला इंटर महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मनीष दुबे ने किया। इस कार्यक्रम में पंडित राजकुमार शुक्ल के 144वीं जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह कार्यक्रम सतवड़िया महाविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया, जिसमें नरकटियागंज SDPO सूर्यकांत चौबे, चनपटिया प्रखंड पदाधिकारी दिवाकर कुमार और लौरिया प्रखंड के CO संजय कुमार एवं चनपटिया प्रखंड के CO राजीव नयन पांडे और चनपटिया विकास पदाधिकारी ने राजकुमार शुक्ला इंटर महाविद्यालय के प्रोफेसर संजय आलोक एवं ग्रामीणों के उपस्थिति में चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल की 144वीं जयंती समारोह के शुभ अवसर पर विद्यालय के विकास कार्य में तेजी लाने की बात कही और पंडित राजकुमार शुक्ल के जीवनी पर प्रकाश डाला। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप रोड कदम चौक पे मेडी सिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर हॉस्पिटल की खूबियों को बताते हुए डॉक्टर डॉली ने STV न्यूज से बताया कि इससे पहले इस तरह की व्यवस्था न होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पहले ऐसा केसरिया में ऐसा कुछ था नहीं, लोग पहले पेशेंट लोग लेडीज पेशेंट खास करके पहले बहुत परेशान होती थी कि ना कोई इमरजेंसी के लिए या डिलीवरी के लिए या कुछ भी लेडीज से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए उनको मोतिहारी या मुजफ्फरपुर के बारे में सोचना पड़ता था। अब ऐसा ये क्लिनिक खोलने से ये हो गया कि उन लोग के लिए थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा हो गई है, साथ साथ में ICU की भी फैसिलिटी है यहाँ पे, उसके साथ में लैप्रोस्कोपिक भी ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो इससे क्या है, मरीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा पेशेंट को, और उनको पॉकेट फ्रेंडली भी होगा यहाँ पे, और मोतिहारी और मुजफ्फरपुर अब उनको जाना नहीं होगा, अब उनके घर में ही उनका सब कुछ इलाज किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज को लाइक करें और ट्विटर के लिए फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज। सच की आवाज़। नमस्कार।